नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मेरा नाम सुगंध है, मैं सद्भावना पब्लिक स्कूल में ऑफसेट प्रिंसिपल हूँ जो कि बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में स्थित है। आज का जो युग है इसमें शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बहुत गिरता जा रहा है और इसके सुधारने के लिए हमें सबसे पहले अभिभावक, शिक्षक और समाज, इन सबका योगदान होना अत्यंत ज़रूरी है। आज के डेट में इतनी महंगाई हो गया, अभिभावक सब अपने अपने काम पे जाते हैं, उनके लिए बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो उस वजह से भी शिक्षा का स्तर जो वो गिरता जा रहा है, वो बच्चों को अपना टाइम नहीं देते। शिक्षक भी जो है, इतना सिलेबस का बोझ होता है शिक्षकों पर बच्चों पर, वो अपना सिलेबस कराने के चक्कर में बच्चों पे इतना बोझ डाल देते हैं। उसको भी सुधार होना चाहिए, तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। नैतिक मूल्यों में गिरावट में जो जिम्मेवार हैं वो सबसे पहले है हमारा समाज। उसका कारण है कि आजकल सब एकल फैमिली पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि जब तक हमारी फैमिली सामूहिक रहा करती थी, उस समय क्या था, बच्चों का पूरा सामाजिक विकास हुआ करता था, उनको पूरा संस्कार मिलता था। अब एकल समाज को जब तक एकल परिवार को हम प्रोत्साहन देने लगे हैं, तब उसके बाद क्या करते हैं अभिभावक, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, उनको फ़ोन और टीवी, बच्चे ज़्यादातर उस पर डिपेंड होते हैं, उससे जो है हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को पूरे परिवार का साथ होना अत्यंत आवश्यक। आज के समय को देखते हुए यौन शिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, वो टीन एज में जरूरी है, यानी कि 9th से आगे आते हैं। 9th के बाद हम बच्चों को इतना समझाएं कि हाँ भाई, यौन शिक्षा क्या होती है और किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत होती है, क्या कारण होता है, जिससे जो आज के समय जितनी भी ये क्राइम हो रहे हैं उसमें भी रुकावट आएगी और बच्चा भी समझेगा कि किस तरह से किस चीज़ का कहाँ उपयोग होना है। सर, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्राइवेट स्कूल का स्तर शिक्षा का, और अब आप सरकारी स्कूल का स्तर देख लीजिए, सरकारी स्कूल में सरकार एक एक शिक्षक को 70-70, 80-80 हज़ार रुपये पेमेंट करती है और रिजल्ट निल। वो सब ब्लेम करती है कि प्राइवेट स्कूल फीस मनमानी ले रहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि प्राइवेट स्कूल बच्चों के लिए क्या प्रेफरेंस कर रहा है, क्या उनको दे रहा है। हर एक चीज़ का अपना एक लेवल, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर एक चीज़ को हम उनसे इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, लैब है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको ये प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये एक हद तक, जब हम बच्चों को कुछ देंगे तो उस सब चीज़ में खर्च होता है, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल अपना इतना ज़्यादा फीस लेता है। हर एक चीज़ का अपना एक लेवल होता है, अगर मीडियम क्लास के बच्चे हैं, मीडियम स्कूल, मीडियम टाइप से स्कूल है, तो उसका फीस भी उतना होता है। ये तो सर दिखावे के वो हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।